गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो अपना लास्ट चैप्टर था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो चैप्टर एक बार आप होल्ड पे रखेंगे, उसको आपने जितना कर लिया है एक बार वही छोड़ रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये बिल्कुल फ्रेश कंसेप्ट है नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। जो बीएससी मेडिकल वाले अपने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने शायद ये सब चीजें पढ़ रखी हैं या सुन रखी हैं पहले, तो उनके लिए ये चैप्टर काफी इजी रहेगा। लेकिन जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, उनके लिए सब चीजें जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल चीजें जो है वो ज्यादा ध्यान पे देनी है। जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो आप ज्यादा ध्यान से सुनोगे। तो इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी है वो मैं आपको साथ साथ बोर्ड पे लिख के देता रहूंगा, वो आप नोट कर लोगे, वही आपकी नोट से। आज भी जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके अलावा मैं कुछ राइटिंग्स यहाँ पे भी करूंगा, तो वो सारा हमारा नोट्स का पोर्शन ही रहेगा। आधे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आधा आप समझाने के बाद लिखेंगे। स्टार्ट हमने करना है, चैप्टर है हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, बायोलॉजी जो है उसको आप दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी। बायोलॉजी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ हमने प्लस टू क्लास में ही ज्वाइन कर लिया था। प्लस टू क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स नाम का, वहां पे आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, प्रोटीन्स पढ़े थे, एसिड्स वगैरह पढ़े थे, तो ये सब चीजें आपने डिस्कस की थी। हाँ जी, तो ये सब चीजें जो है वो हमने डिस्कस की थी। बायो ऑर्गेनिक जो है वो आप पहले काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, फिर आपने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़े बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में भी। अभी आपने बायोलॉजी को रिलेट करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो जब भी मैं बायोलॉजी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रिलेट करूंगा ना, तो वहां पे हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप के मेटल आयंस की। हमारी बॉडी के अंदर बहुत टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बहुत टाइप के मेटल आयंस या नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं, जिनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है, अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर उनका काम होता है। तो वही सब चीजें आपने इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे मैंने यही चीज बताई हुई है। देखो, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में जब हम मेटल आयंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मेटल आयंस या नॉन मेटल आयंस, नॉन मेटल भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन में मैंने मेटल लिखा मुझे पता है, लेकिन कुछ एक नॉन मेटल्स भी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए या हमारे लाइफ के लिए जरूरी होती है। तो जब आप बायोलॉजी को मेटल आयंस के साथ इंक्लूड करके स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमें बेसिकली करना क्या है, देखो, डिफरेंट टाइप के मेटल आयंस पढ़ने हैं, उनके फंक्शन पढ़ेंगे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी को कौन कौन सा मेटल आयन चाहिए ज्यादा अमाउंट में, कौन सा मेटल कम अमाउंट में चाहिए, कौन सा मेटल चाहिए ही नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमें स्पेशल यहाँ पे एग्जांपल पढ़ना है हीमोग्लोबिन का और मायोग्लोबिन का। ये दोनों हमारे मॉलिक्यूल्स हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इनमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता होता है। उसके बाद आप टॉपिक डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिए। स्टार्ट आप सबसे पहले करेंगे, हमारी डेफिनेशन है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखो, सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स। एक्चुअल में जो हमारा मेन पोर्शन है वो एसेंशियल एलिमेंट्स है। जब आप एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखते तो, और उनके बारे में जो भी बातें बताएंगे, जो भी उन चीजों को फॉलो नहीं करेगा वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन एसेंशियल होंगे। प्लीज माइक जो है वो बच्चे ऑफ रखो सभी, एक बार मेरा ही माइक ऑन रहे तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगा या आपके कोई डाउट होंगे तभी आप माइक को जो है वो ऑन करना, अदरवाइज ऑफ ही रहने दो प्लीज, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है फिर दिक्कत आएगी पढ़ाने में। तो स्टार्ट आप सबसे पहले करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन से।
मैं आपको बताऊंगा एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट बोलने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, फिर आप नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा एसेंशियल एलिमेंट्स के फर्दर टाइप्स को। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं एसेंशियल एलिमेंट की डेफिनेशन से। डेफिनेशन में मैंने लिखा दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हम भी इंक्लूडेड हो गए, ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसे इनऑर्गेनिक के एलिमेंट्स, ऐसे इनऑर्गेनिक के मेटल आयंस या नॉन मेटल आयंस, मेटल भी हो सकती है नॉन मेटल भी हो सकती है ना, तो मैंने दोनों के लिए बेसिकली एक ही वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे एलिमेंट। एलिमेंट में हमारे मेटल्स भी इंक्लूड हो गए, नॉन मेटल्स भी इंक्लूड हो गए। तो वो सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए या उनको चलाने के लिए जरूरी होती है, उन सभी एलिमेंट्स को आप एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं वो बनी हुई हैं कैल्शियम आयंस की हेल्प से। हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड के अंदर आयरन जो है वो प्रेजेंट है। हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं हमारी, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे यही चीज मैंने बताई है, इसको आगे आप कंटिन्यू करते हैं। तो पहले डेफिनेशन थी मैंने दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है कि ये हाईली रिक्वायर होती है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप इनको कंज्यूम नहीं करोगे डाइट के अंदर तो आपकी बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ डिसीजेस वाली हो जाएगी या कुछ ना कुछ मेल फंक्शंस परफॉर्म करेगी। तो इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दीज एलिमेंट्स आर इंडिस्पेंसिबल एंड एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स रिजल्ट इन डेथ और मेल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यही मैंने आपको बताया कि अगर आप इन एलिमेंट्स को इनटेक नहीं करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है एसेंशियल है, तो अगर आप इनको कंज्यूम नहीं करते हैं डाइट के अंदर तो हमारी बॉडी जो है वो मेलफंक्शन हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। फिर उसके बाद मैंने बोला द ऑर्गेनिजम्स कैन नाइदर ग्रो नॉर कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट एसेंशियल एलिमेंट। अगर अपनी बॉडी एसेंशियल एलिमेंट्स को कंज्यूम नहीं करेगी तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट होता है वो ना तो कभी अच्छे से ग्रो कर पाएगा और ना ही हमारे बाकी के जो बॉडी फंक्शंस होंगे या बाकी के जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो डेवलप हो सकते हैं। तो सॉरी, एसेंशियल एलिमेंट्स को इनटेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनको डाइट के थ्रू लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ को नॉर्मली चलाना चाहती हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है वो एक जनरल सी बात है। आप किस एलिमेंट को एसेंशियल बोलोगे इसके लिए हमारे पास अभी कोई फिक्स लाइनिंग नहीं है। मतलब मैं आपको बोलूं कि आयरन जो है वो सभी के लिए एसेंशियल एलिमेंट है, ये कोई जरूरी नहीं है। आयरन जो है वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, आयरन के बिना हमारी बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता, मायोग्लोबिन नहीं हो सकता, तो हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी बिना आयरन के। तो आयरन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो बाकी की लिविंग स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं और भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनके लिए आयरन जो होगा उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं। तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में या इस लेक्चर में जो आज का लेक्चर है उसमें मैं किसी भी एलिमेंट को अगर एसेंशियल एलिमेंट बोल रहा हूं तो मैं उसको ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आयरन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है तो ह्यूमन बींग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें अलग अलग स्पीशीज जो होती हैं उनके लिए अलग अलग टाइप की अमाउंट जो होती है वो जरूरी होती है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल एलिमेंट। मतलब मेरे पास इनऑर्गेनिक के इतने सारे मेटल आयंस हैं और बहुत सारे मेटल आयंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट भी होते हैं, तो हम किन एलिमेंट्स को एसेंशियल बोलते हैं, किन बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा एसेंशियल होगा, कौन सा एलिमेंट हमारा एसेंशियल नहीं होगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल बोलना है अगर आपको, उसके लिए तीन कंडीशंस जो है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है जिस एलिमेंट को आपने एसेंशियल बोलना है
वो आपकी बॉडी के टिश्यूज के अंदर कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, स्मॉलर अमाउंट्स में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर नेग्लिजिबल अमाउंट है तो आप उसको नेग्लेक्ट ही कर दोगे तो वो फिर हमारे लिए एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कंसिडरेबल अमाउंट में पड़े होते हैं, जिस अमाउंट को आप कंसिडर कर सकते हो, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड कंडीशन ये होती है एसेंशियल एलिमेंट का क्राइटेरिया पता करने की, आपको पता करना है कि आपका एलिमेंट जो है वो एसेंशियल है या नहीं। उसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, उस एलिमेंट को डाइट से हटा देंगे। आप उस एलिमेंट के बिना वाली डाइट कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो एलिमेंट जा ही नहीं पा रहा, तो आपकी बॉडी जो है उसमें थोड़े से फिजियोलॉजिकल मलफंक्शंस आने शुरू हो जाएंगे अगर आप उस एलिमेंट को कंज्यूम नहीं कर रहे। तो फिर आपको पता चला कि आपने एक्स वाई जेड एलिमेंट को डाइट से कंज्यूम कर, डाइट से बाहर कर दिया था, कंज्यूम नहीं कर रहे थे, इस वजह से बॉडी हमारी प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो वाला जो एलिमेंट है वो क्या होगा, हमारे लिए एसेंशियल। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, सेकंड पॉइंट में आपने एसेंशियल एलिमेंट को डाइट से रिमूव कर दिया था तो हमारी बॉडी में मेलफंक्शन आने शुरू हो गए थे, फिर मैं दोबारा उसको डाइट के अंदर ऐड करूंगा और डाइट में ऐड करने के बाद अगर वो मेलफंक्शन मेरे ठीक हो जाती है तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो हमारे लिए एसेंशियल है। ये तीनों बातें मैंने यहाँ पे मैंशन की है क्राइटीरिया फॉर एसेंशियल एलिमेंट में। पहली चीज मैंने ये बताई, द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एट कंपेरेबल कंसेंट्रेशन, मतलब अलग अलग टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए कंपेरेबल कंसेंट्रेशन में, कंसिडरेबल अमाउंट होनी चाहिए, आप उस अमाउंट को नेग्लेक्ट ना कर सको, ज्यादा अमाउंट में कम से कम वो प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड चीज मैंने बताई, फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी या एबनॉर्मलिटी अपीयर्स व्हेन एलिमेंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द डाइट, अगर आप उसको डाइट से निकाल दोगे तो फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसीज या एबनॉर्मलिटीज बॉडी में आ जाएंगी, बॉडी मेलफंक्शन हो जाएगी, ढंग से काम नहीं करेगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी अगर आप उस एलिमेंट को डाइट से निकाल देते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, द डेफिशिएंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ दैट एलिमेंट इनटू द डाइट, अगर डेफिशिएंसी आ गई है उसको डाइट से निकालने पे तो आप उसको फिर से इनटेक करना स्टार्ट करो, फिर से इनटेक करना स्टार्ट करोगे तो जो भी आपकी एबनॉर्मेलिटी आई थी, जो भी मेलफंक्शन हुए थे, वो करेक्ट होने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब जो एलिमेंट है वो क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है। तो जो भी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में इन तीन क्राइटेरियाज को फॉलो करेंगे, इन तीन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, उनको आप क्या बोलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी, एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए क्राइटेरिया बताया। थोड़ा सा वेट करोगे, अभी आप लेक्चर कंटिन्यू करेंगे ना तो उसमें मैं आपको एसेंशियल एलिमेंट्स के नाम भी बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि आपने डेफिनेशंस पढ़नी है, डेफिनेशंस के बाद वाला काम भी है। तो ये हमारे पास हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी और क्राइटेरिया था। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सर इसमें फर्स्ट पॉइंट में टिश्यूज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे एक्चुअल में टिश्यूज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आना था, सॉरी। पहले पॉइंट में द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन टिश्यूज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन सॉरी एट कंपेरेबल कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स की बात हो रही थी, वो थोड़ी सी गलती थी। और कोई डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट हो? चलिए, तो ये अपने पास अपनी एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी। एसेंशियल एलिमेंट्स को यहाँ पर ने डीपली पढ़ना है, उसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। सेकंड हमारे पास होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। अब नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में आप उन मेटल्स या नॉन मेटल्स की बात करते हैं जिनका हमारे बायोलॉजिकल लाइफ में कोई स्पेशल रोल नहीं होता, अपनी बॉडी में वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, मतलब वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर आप उनका हल्की फुल्की कंसेंट्रेशन में इनटेक कर भी लेते हो तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे। तो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। चाहे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं चाहे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट हमारे लिए असेंशियल है तो हम उसको इंटेक करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। चाहे एलिमेंट हमारे लिए असेंशियल है लेकिन अपने को बॉडी के अंदर जो उनकी अमाउंट होती है वो जो उनकी कंसेंट्रेशन होती है वो अपने को एक स्पेसिफिक अमाउंट में रखना होता है। आपा ऐसा नहीं है कि कोई एसेंशियल एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है तो आप उसको लगातार इंटेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी। आपा इससे थोड़ा फर्दर आगे चलते हैं। हमने अभी डिस्कस करनी है हमारे टाइप्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अपने पास अपना नया टॉपिक आ जाएगा टाइप्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं यहां पे मैं जो भी आपको क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा जैसे भी टाइप्स पढ़ेंगे या आपने एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैं ऑलरेडी यहां पे क्लियर कर चुका हूं कि आपने यहां पे जो भी डेफिनेशन पढ़नी है या जो भी आप यहां पे टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे ये मैं ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। हमारे लिए जो एसेंशियल है हमारे लिए जो जरूरी एलिमेंट्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो एसेंशियल एलिमेंट्स का टाइप होता है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज होता है स्पीशीज टू स्पीशीज चेंज होता है। जो चीज हमारे लिए एसेंशियल है जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए वो एसेंशियल हो। तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना। जो भी मैं आपको एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ या उनकी टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ ये सब कुछ जो है ये मैं ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप अभी डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स को फर्दर आप दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर देती हैं या दो टाइप से पढ़ती हैं बल्क एलिमेंट्स और सेकेंड टाइप होती है बच्चे ट्रेस एलिमेंट्स। जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं एक तो बल्क एलिमेंट्स और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स। जो बल्क एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप इनको डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे कि बल्क एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशंस या हायर अमाउंट में बोल सकते थे। चलो मैंने हायर कंसंट्रेशन बोल दिया। तो जो भी एलिमेंट्स हमारे हायर कंसंट्रेशन में बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं बल्क एलिमेंट्स। सिमिलरली ट्रेस एलिमेंट्स आप किनको बोलेंगे ट्रेस एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लोअर कंसंट्रेशन। हमारी बॉडी में जो लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे ट्रेस एलिमेंट। अब यहां पे देखो फिर से वही पहले वाला कंसेप्ट रिपीट हो गया। जो हमारी बॉडी में हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए वो तो हमारे होंगे बल्क एलिमेंट्स और जो हमें हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए होते उनकी स्मॉल अमाउंट भी हमारे लिए सफिशियंट है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए सफिशियंट है उन्हें आप बोलेंगे ट्रेस एलिमेंट। अब फिर से किस एलिमेंट को मैंने बल्क बोलना है किस एलिमेंट को मैंने ट्रेस बोलना है ये सबस्टांस टू सबस्टांस मतलब स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वो वेरी करेगा। अब इसका एग्जांपल देखो जैसे मान लो सेलेनियम मेटल ऐसी सेलेनियम मेटल जो होती है वो बल्क एलिमेंट है मैमल्स के लिए। मैमल्स के अंदर सेलेनियम जो है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिलती है हाई कंसेंट्रेशन में मिलती है तो सेलेनियम मेटल जो है वो मैमल्स के लिए बल्क एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं हमारी बॉडी में सेलेनियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती तो हम जो होता है सेलेनियम को ट्रेसेस में यूज करते हैं ना के बराबर यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बल्क एलिमेंट नहीं है वो हमारे लिए ट्रेस एलिमेंट है। सेलेनियम जो है वो मैमल्स के लिए बल्क और सेलेनियम हमारे लिए ट्रेस। तो मतलब हर एक एलिमेंट का स्पीशीज के अकॉर्डिंग डिसाइड होना होता है कि वो बल्क एलिमेंट्स में आ रहे हैं ट्रेस एलिमेंट में। मैं मेरी बॉडी के लिए बोल सकता हूँ अपनी बॉडी के लिए सोडियम जो है वो बल्क एलिमेंट में आ सकता है आयरन जो है वो बल्क एलिमेंट में आ सकता है क्योंकि अपने को लार्ज अमाउंट में लार्ज कंसेंट्रेशन में चाहिए होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर सोडियम जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता तो उनके लिए ट्रेस एलिमेंट हो सकता है। तो स्पीशीज के अकॉर्डिंग बल्क और ट्रेस की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। मैं यहाँ पे जिन भी एलिमेंट्स को बल्क बोलूंगा या जिन एलिमेंट्स को मैं ट्रेस बोलूंगा वो फिर से ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा।
तो हमारे पास ये एसेंशियल एलिमेंट्स की टाइप थी, बल्क एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। अब हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर टोटल 30 एलिमेंट्स हैं, जिनको आपने बल्क और ट्रेस वाले पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होता है। एक्चुअल में जो मेरी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में चार पार्ट्स में करूंगा। कैसे चार पार्ट्स में करूंगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। देयर आर 30 एलिमेंट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एज बल्क एलिमेंट्स। हमारे पास टोटल 30 एलिमेंट्स हैं, उनको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। सबसे पहले बल्क एलिमेंट्स, 30 में से 6 एलिमेंट्स को मैं बल्क एलिमेंट बोलूंगा, यहां पे ब्रैकेट लिख देता हूं 6। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएंगे मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स, जिनसे हमें लार्ज अमाउंट में मिनरल्स मिलते हैं, उन्हें आप बोलेंगे मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स। 30 में से 5 होते हैं, 6 होते हैं बल्क एलिमेंट्स, 5 होते हैं मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स, बाकी कितने बच गए 19। वो हमें हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, तो उन्हें आप बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, और बाकी के जो है वो आप क्या बोलेंगे ट्रेस एलिमेंट्स, और वो कितने हैं टोटल 19 है। तो ये हमारे पास हमारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है, कौन से 6 एलिमेंट बल्क हैं, कौन से 5 जो है वो मैक्रो है, और कौन से 19 जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए, तो यहां पे आपने क्लासिफिकेशन जो की है बल्क वाली, मैक्रो मिनरल वाली और ट्रेस वाली, कौन से एलिमेंट बल्क में आएंगे, कौन से वाले मैक्रो मिनरल में आएंगे और कौन से वाले ट्रेस में, ये मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, और ये आपको बेसिकली याद होने चाहिए। तो सबसे पहले बल्क एलिमेंट्स, बल्क एलिमेंट्स मैंने बताया आपको 6 हैं, कौन कौन से 6 हैं वो देख लो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये बल्क एलिमेंट्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। उसके बाद है हमारे पास मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स, मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स टोटल 5 हैं हमारी बॉडी के अंदर। कौन कौन से 5 हैं ये, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये NaCl तो मोस्टली हमें सॉल्ट से ही मिल जाता है, बाकियों के जो सोर्सेज होंगे वो भी आप पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, अब देखो इन 5 में से क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, बाकी सारी मेटल्स हैं, तो सिर्फ मेटल वर्ड यूज करना जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हम यहाँ पे इसलिए एलिमेंट्स वर्ड का यूज करेंगे। तो ये जो 5 है ये हमारे पास हमारे मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स। फिर आ जाती है हम हमारे ट्रेस एलिमेंट्स पे, ट्रेस एलिमेंट्स जो बॉडी में कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लोअर कंसेंट्रेशन में, कौन कौन से, आयरन, कॉपर, जिंक, वैनेडियम, उसके बाद निकल, कैडमियम, लिथियम, टिन और फाइनली लेड। ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे आ गए ट्रेस एलिमेंट्स में। टोटल वैसे 19 थे, मैंने अभी आपको कितने बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3, 6 और 9। तो इसका रीजन ये है, एक्चुअल में जो ट्रेस एलिमेंट्स है उनकी आप फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो वो जो हमें लोअर कंसेंट्रेशन में चाहिए ट्रेस एलिमेंट्स, और एक वो जो हमें काफी लो कंसेंट्रेशन में चाहिए, जिनको आप बोलते हैं अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। तो मैंने ट्रेस एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर दिया है। हमारे पास है हमारे अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। ये कोई नई हेडिंग नहीं है, हेडिंग्स तो ये 3 ही थी, बल्क एलिमेंट, मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस।
ट्रेस के अंदर ही मैंने फर्दर आगे डिवाइड कर दिए हैं अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। अल्ट्रा ट्रेस वाले कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, उसके अलावा क्रोमियम, सिलिकन, आर्सेनिक और फाइनली अपने पास आ जाता है सेलेनियम। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था ना, देखो हमारे लिए अल्ट्रा ट्रेस है सेलेनियम, लेकिन अगर मैं यही मैमल्स की बात करता मैमल्स के लिए वो बल्क एलिमेंट था। तो ऐसे कोई प्रॉपर डेफिनेशन या कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन हम नहीं कर सकते, स्पीशीज टू स्पीशीज बल्क कौन होगा ट्रेस कौन होगा ये डेफिनेशन चेंज होती रहती है। तो ये हमारे पास हमारे अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट आ गए, इसके अलावा फ्लोरीन, आयोडीन और बोरो, गिन सकते हो टोटल अपने पास 19 एलिमेंट्स जो थे वो पूरे हो गए हैं ट्रेस के अंदर, ये सारे मिलके 19। ये हमारे 5 हैं मैक्रोमिनरल और ये 6 थे हमारे बल्क एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपने एसेंशियल एलिमेंट्स के टाइप वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बल्क और ट्रेस। टोटल हमारे पास 30 एलिमेंट्स है जिनको आपने क्लासीफाई कर दिया बल्क, ट्रेस और मैक्रोमिनरल। तो ये हमारे पास हमारी क्लासिफिकेशन थी, इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है। कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को, चलिए। तो ये था हमारे पास हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अभी आपने जो आज देखे हैं हमारे एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स और एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, क्या क्या फंक्शनिंग होती है इनकी बॉडी में, कल आप वो डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली देखो थ्योरी ही चलेगी भी एक दो दिन, जैसे आज अपना लगभग पोर्शन सारा थ्योरी का था, कल भी और परसों भी इसी तरीके से काम चलेगा। कल मैं आपको एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा और लिखवाऊंगा, परसों फिर आप एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, जो आपने 4-5 रीडिंग्स कर दी है, तो वो सब चीजें आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।